मणिपुर में आंशिक रूप से शराबबंदी हटाने के कैबिनेट के फैसले के बाद पहली बार कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी पार्टी की ओर से ऐसे समय में शराब को वैध बनाने के खिलाफ आवाज उठाई गई है जब नागरिक संगठनों ने पहले ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए MPCC के उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ प्रवक्ता हरेश्वर गोस्वामी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाने के सरकार के फैसले के पीछे का उद्देश्य भाजपा सरकार को पूर्ण दिवालियापन से बचाना और अमीरों को संरक्षण देना है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और ईमानदारी से मणिपुर लीकर प्रोहिबिशन एक्ट 1991 को लागू करें। द लिफ्टिंग पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ प्रोहिबिशन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन मणिपुर इज ओनली टू सेव द बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट from total bankruptcy and to patronize the rich. As such, please do not sacrifice the lives of the common people for your inefficiency and for the rich and prosperous to fill their pockets. Stop legalization of alcohol and implement the Prohibition Act with honesty and sincerity. इस सवाल के जवाब में कि क्या कांग्रेस भी शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाए जाने के फैसले को लेकर विरोध में साथ देगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। वी ऑलवेज सपोर्ट डेमोक्रेटिक एंड द पीसफुल एजिटेशन, आई मीन दैट इज आवर पॉलिसी, सो वी डोंट सपोर्ट एनी वायलेंट एक्टिविटीज।